फ्रेंड्स, हमारे इसी प्लेनेट पे कई तरह की लोकेशंस हैं। कहीं हर कोई खुशहाल और प्रॉस्परस लाइफ जी रहा है, कहीं हर तरफ प्यार ही प्यार है, तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां आए दिन क्राइम होते रहते हैं, मर्डर्स होते रहते हैं, लड़कियों का दिन में भी निकलना मुश्किल होता है। ऐसी जगह और कुछ नहीं बल्कि पाताल लोक के समान ही है। पाताल लोक स्ट्रीम हुई अमेजोन प्राइम पे। संजीव मेहरा जो कि फेमस जर्नलिस्ट है, आज उसके ऊपर अटैक किया गया है जस्ट उसके घर के गेट पे। पर ये कोशिश नाकाम हो जाती है, संजीव मेहरा बच जाता है। इस किलिंग को अंजाम देने वाला था विशाल त्यागी। विशाल त्यागी के साथ तीन और भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, तोप सिंह, कबीर एम और मैरी लिंगो। पुलिस इन चारों को पकड़ लेती है, 14 दिन रिमांड पे रखती है। इस केस को सौंपा गया है हाथीराम चौधरी और उसके साथी अंसारी को। हाथीराम की फैमिली में वाइफ है और एक बेटा है सिद्धार्थ चौधरी, जबकि अंसारी आईपीएस की तैयारी कर रहा है। दोनों ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं। वो इस केस को हर हाल में सॉल्व करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि संजीव मेहरा को मारने की कोशिश करने वाला है कौन और संजीव मेहरा को मारकर उसे क्या मिलेगा। सबसे पहले तो चारों से सच निकलवाने के लिए इन्हें जेल में ही अच्छी तरह खातिरदारी की जाती है। विशाल त्यागी को तो कितना भी मार लो उसे फर्क नहीं पड़ने वाला, पर उसके खिलाफ एक सॉलिड लीड मिली है हाथीराम को। विशाल त्यागी का लिंक है चित्रकूट से। अब इसकी छानबीन करने हाथीराम पहुंचा है चित्रकूट, जहां विशाल त्यागी का बचपन गुजरा था। हाथीराम पहुंचा है उस स्कूल में जहां एक दिन विशाल त्यागी ने हथौड़े से तीन बच्चों को मार डाला था। तब से वो हथौड़ा त्यागी के नाम से फेमस हो गया। वो ग्राउंड जहां विशाल त्यागी ने ये सब अंजाम दिया एक स्कूल का ग्राउंड था। वहां के मास्टर ने हाथीराम को पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। वो बताता है कि खानदानी दुश्मनी और जमीन के चक्कर में विशाल की तीनों बहनों को उठा लिया गया और तीनों के साथ रेप हुआ। जवाब में विशाल ने भी उस फैमिली के तीन बच्चों को बेखौफ मौत की सूली पे चढ़ा दिया। अब विशाल की जान को बचाने के लिए उसके मास्टर जी ने उसे पहुंचाया है इस एरिया के सबसे बड़े क्रिमिनल पर भगवान कहे जाने वाले दुनलिया के पास। दुनलिया यहाँ का सबसे बड़ा माफिया है, सब कुछ उसी के इशारों पे होता है। हर कोई उसकी फौज में शामिल होना चाहता है, पर दुनलिया किसी को भी अपनी फौज में शामिल करने से पहले उसका टेस्ट लेता है। विशाल का भी टेस्ट हुआ, उसे हथौड़ा अपने हाथ पे मारना है। विशाल ऐसा कर लेता है और दुनलिया की फौज में शामिल हो जाता है। दुनलिया के साथ इस एरिया में माफिया ग्वाला गुजर भी एक्टिव है। दोनों सपोर्ट करते हैं यहाँ के पॉलिटिकल लीडर बालकृष्ण वाजपेयी को। मास्टर के पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, उसने हाथीराम को इतनी ही जानकारी दी है। हाथीराम को विशाल त्यागी की कहानी का तो पता चल गया, पर उसका संजीव मेहरा से क्या कनेक्शन, ये सवाल अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा है। इधर अंसारी तोप सिंह की कहानी जानने पहुंचा है पंजाब। वहां उसके चाचा महिपाल सिंह ने बताया है कि तोप सिंह को छोटी जाति का होने की वजह से जलील किया जाता था। उसे बार बार पैंट खोलने को कहा जाता था। एक दिन तोप सिंह ने इन्हीं लोगों को मार दिया। अब तोप सिंह की जान बचाने को उसके चाचा महिपाल सिंह ने उसे वहां से भगा दिया। इस संजीव मेहरा केस की तीसरी सस्पेक्ट मैरी लिंगो के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मैरी लिंगो कोई लड़की नहीं है बल्कि ट्रांसजेंडर है। काफी पिटाई के बाद उसने अपना सच बताया है कि वो इन चारों के साथ संजीव मेहरा को मारने के लिए इसलिए इन्वॉल्व हुई क्योंकि उसे तलरेजा ने कहा था। हाथीराम और अंसारी बिल्डर तलरेजा के पास जाते हैं, पर उससे इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तलरेजा इन्हें वारंट लाने को कहता है, पर जब वारंट लेकर जाते हैं तब तक तलरेजा देश छोड़कर भाग चुका है। चौथा सस्पेक्ट है कबीर एम। इसकी छानबीन पर यह पता लगता है कि ये मुस्लिम है पर अपनी आइडेंटिटी हिंदू ही बताता है। अब इसके पीछे की कहानी जानने के लिए हाथीराम और अंसारी पहुंचते हैं कबीर एम के घर। वहां उसके पिता बताते हैं कि उनके बड़े बेटे को दंगे में मुस्लिम होने की वजह से मार दिया गया। तब से उन्होंने कबीर की आइडेंटिटी हमेशा छिपा के रखी ताकि किसी को पता न चले कि वो मुसलमान है। सो इन चारों सस्पेक्ट की छानबीन तो हो गई, पर ये नहीं पता चल पाया कि आखिर संजीव मेहरा से इन सब का क्या कनेक्शन है। हाथीराम ये सारी इंस्पेक्शन कर ही रहा है कि तभी पुलिस से ये केस छीन लिया जाता है और ये केस दिया गया है सीबीआई को। यहाँ तक कि हाथीराम को सस्पेंड भी कर दिया गया है क्योंकि मैरी लिंगो की लड़की न होने की वजह से भी उसे लड़के वाले जेल में रखना और विशाल त्यागी जिसने मर्डर्स किए और चित्रकूट में हथौड़ा त्यागी के नाम से फेमस हुआ और उसने 45 मर्डर्स किए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया में लीक हो चुकी है। हाथीराम को नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई, पर उसे सस्पेंड कर दिया गया है। सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी में अपनी अलग ही थ्योरी बनाई है और इन चारों का लिंक बताया लश्करे तैयबा से और ये भी कहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक था जो संजीव मेहरा पे हुआ और इसके साथ ही सीबीआई ने इसकी चार्जशीट दाखिल कर दी है। पर सस्पेंड होने के बावजूद हाथीराम पूरी तरह श्योर है कि बात कुछ और है। वो अंसारी के साथ मिलकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर सच क्या है, इन चारों को टेररिज्म से कुछ लेना देना है या नहीं। इस बीच अंसारी का आईपीएस एग्जाम क्लियर हो गया है और बहुत जल्द वो आईपीएस ज्वाइन कर लेगा। हाथीराम इस केस की सच्चाई जानने के लिए चित्रकूट दोबारा जाता है। अंसारी भी बताता है कि तोप सिंह का जो नंबर था वो भी चित्रकूट का ही था। विशाल त्यागी जिसके लिए काम करता था दुनलिया वो भी चित्रकूट से ही था, यानी सारे सवालों के जवाब चित्रकूट में ही मिलेंगे। इधर संजीव मेहरा ने रिलेशनशिप बना लिया है रिपोर्टर सारा के साथ। उसकी वाइफ डॉली को जब ये सब खबर लगी है तब उसने संजीव से कुछ नहीं कहा, इसका जिक्र तक नहीं किया, बल्कि एक डॉगी को नाम दिया है गायत्री और उसी के साथ अपना दिल बहला लेती है। चित्रकूट में हाथीराम को दुनलिया का कोई लिंक नहीं मिलता, पर ज्वाला गुजर और उसके आदमियों को फॉलो करता रहता है। यहाँ छानबीन करने के बाद हाथीराम को ये पता चला है कि दुनलिया तो बहुत पहले ही मर चुका है। दुनलिया यहाँ मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता था। जब विशाल त्यागी संजीव मेहरा को मारने वाला था तब उसने फोन कर कहा
उसे मास्टर जी से बात करनी है। जब ज्वाला गुजर और उसके आदमियों ने उसकी बात मास्टर जी से नहीं कराई तो विशाल ने इस मर्डर को भी अबॉर्ट कर दिया। हाथीराम पॉलिटिकल लीडर बालकृष्ण वाजपेयी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी फॉलो करता है जहां उसे मिलती है चंदा। चंदा वाजपेयी के पीए शुक्ला की रखेल है। पहले वो तोप सिंह के साथ थी, बाद में उसे छोड़ के शुक्ला के साथ आ गई। चंदा की बातों से हाथीराम को ये तो पता चल गया कि तोप सिंह को इस संजीव मेहरा को मारने में फ्रेम किया गया है और तो और विशाल त्यागी को भी सेटअप किया गया है। घर आकर हाथीराम ने इस केस से जुड़ी हर गुत्थी को सुलझा लिया है। उसे पता चल चुका है कि वाजपेयी ने ये सारा गेम सेटअप किया था। दुनलिया के मरने के बाद वाजपेयी दुनलिया के दाएं हाथ विशाल त्यागी को भी रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए उसने संजीव मेहरा को मारने का प्लान बनाया। संजीव मेहरा की जगह कोई भी हो सकता था, पर आइडिया ये था कि चूंकि संजीव मेहरा मीडिया से है, जब उस पर अटैक होगा तब रूलिंग पार्टी पर क्वेश्चन उठेंगे। इन सब में बाकी तीन इसलिए शामिल किए गए ताकि ये पूरा प्लान इजीली एग्जीक्यूट हो जाए। मैरी लिंगो लड़की ऐसी दिखती थी, इसलिए उसे भी शामिल किया गया ताकि लड़की रहेगी तो वैन में बैठे लोगों पे शक नहीं होगा। इस काम में हाथीराम का सीनियर भगत भी शामिल था। सो बेसिकली वो काम कर रहा था वाजपेयी के इशारों पे। अभी केस तो सॉल्व हो गया है पर कोई फायदा नहीं। सीबीआई ने ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल कर दी है। हाथीराम से भगत मिला है और कहा है कि तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो पर किसी के आगे अपना मुंह मत खोलना। भगत की बातों को हाथीराम आश्चर्य भरे नजरों से देखता है, पर वो भी क्या करे, सिस्टम ही ऐसा है। यहाँ जिसके पास पावर है वो सब कुछ करवा लेता है। पर उसने एक काम जरूर किया है, वो पहुंचा है संजीव मेहरा के पास, जिसने अपने आप को मीडिया के सामने न सिर्फ विक्टिम दिखाया बल्कि सीबीआई के चार्जशीट फाइल होने के बाद अपने आप को और भी फेमस करने के लिए इन चारों को टेररिस्ट अनाउंस किया अपने चैनल के थ्रू। मतलब उसने भी इस मौके को भरपूर भुनाया। वाकई में ये सिस्टम ही ऐसा है, सबको पावर की चाह है। इसी चाह में अगर किसी की लाइफ बर्बाद हो जाए, जैसे कि इन चारों को टेररिस्ट करार देकर किया जा रहा है, इनके साथ साथ इनकी फैमिलीज की लाइफ भी बर्बाद हो रही है। पर सबने अपनी आंखें बंद कर ली है, सबको अपना फायदा दिख रहा है इन सब में। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर मेंशन करें, और किसी कहानी को आप देखना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उसे भी पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक घर में रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचें। जय हिंद।